सर एक तरफ फॉर्मर जो कोबरा रिसेप्शन दिया गया एयरपोर्ट पे, एक तरफ आपको मैंने देखा, और किस तरह देखा जाए, क्योंकि जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, कहीं ना कहीं उनको रिसीव नहीं करने गए एयरपोर्ट को, तो क्या कर सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है जी, वो हमारा लीडर है, आज वो दिल्ली से आ रहे हैं, मुझे भी जाना था लेकिन हमारे कुछ प्रायर शेड्यूल था जिसके कारण जो है मैं वहाँ पे जा नहीं पाया, लेकिन हमारे बहुत सारे जो है वर्कर्स जो है उनको रिसीव करने के लिए गए हैं, तो हमारा वो नेता है तो आज उनको भी स्वागत किया है, सभी लोग जाके जो है कुछ जो है पार्टी में भी जो है हमारे कुछ प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ पे भी लोग बिजी है, तो हमारा ये प्रेयर जो एक शेड्यूल विजिट था सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में जाके रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट और उनके लोगों से मिलना, और साथ ही साथ कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स के भी जो है हम सुबह ठीक से रिम्पोचे से लेके जी दुपत ठीक से रिम्पोचे के प्लेस में, वो हमारा प्रेयर शेड्यूल था, बाकी ऐसे कोई बात नहीं। सर जो रिफ्ट की बात करते हैं बीजेपी पार्टी में, तो ग्रुप्स की बांटने की जो खबर आ रही है उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि लोग इस पर काफ़ी अजीब सरप्राइज भी है। देखिए देखिए ये स्पेकुलेशन है, मेयर स्पेकुलेशन है, बाकी ऐसे कुछ नहीं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आज एमपी आया, उन्होंने साफ जो अपना जो नाराजगी जताया, बोला कि हम यहाँ आके सपोर्टर्स से मिल के फिर दो तीन दिन में हम बात आगे क्या करना है हम डिसाइड करेंगे, इस पर क्या बात है? नहीं ऐसे कोई बात नहीं, जिस तरीके से अभी शशिकल साहब ने बताया, हम अभी एमपी सर से मिलने वाला है, हम सारे बैठ करके डिस्कस करेंगे और बैठेंगे उनसे मिलना है, क्योंकि जिस तरीके से बताया कि ये पहले शेड्यूल बन चुका था इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा पाया है, अगर वैसे ऐसे कोई बात नहीं, हम शाम को बैठ करके मीटिंग करेंगे, उनसे मिलने जाना है, रिसेप्शन के लिए हम भी जाना था तो इस शेड्यूल होने की वजह से नहीं जा पाया था। सर अकेले में पूछना चाहूँगा, अकेले में मैंडेट डिनाई करने से पहले उनको बीजेपी इतना बड़ा एक पार्टी है, बीजेपी ने जरूर एमपी साहब के लिए कुछ ना कुछ नेशनल में या कुछ ना कुछ जरूर सोच रखा है, तो उसके ऊपर हम हाईकमांड से बात करेंगे, ऐसे कोई बात नहीं कि एमपी साहब को इस तरीके से नेग्लेक्ट किया गया है, ऐसे कुछ ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, सारे मिलकर के इसके ऊपर बात करेंगे। नहीं जेटली साहब तो अभी हमसे मिले नहीं है, क्योंकि हम तो सुबह से ही मतलब रिलीजियस यहाँ वहाँ जा रहा है, तो रिले तो है लेकिन एमपी साहब का क्या शेड्यूल बना है अभी तक हम उनसे मिले नहीं है जी। जी पार्टी की ओर से आपको चुना गया सर, तो सिख शेड्यूल का जो मुद्दा चल रहा है उस पर कैसे काम किया जाएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में इलेक्शंस भी है, हार्ड कॉम्पिटिशन है इस बार, तो उस पर क्या? देखिए हमने हमेशा से यही एक चीज़ को मेंटेन करके बताया है बार बार, आज भी मैं यही दोहराना चाहूँगा कि देखिए डायलॉग इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड, डायलॉग से ही जो है आप मसले का हल निकल सकते हैं, जब तक आप बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं रखेंगे, उसको जारी नहीं रखेंगे तो कोई भी मसले का हल नहीं निकल सकता है। तो आप अनफॉर्चुनेट रहा क्योंकि बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था तो एमसीसी इंप्लीमेंट हो गया, तो एमसीसी में तो आपको भी पता है सरकार तो अभी कोई पोजीशन में नहीं है कि कोई निर्णय ले, तो वो तो एमसीसी का वायलेशन होगा, तो अभी एमसीसी जब इफेक्टिव है तो ऐसे स्थिति में जो है मुझे नहीं लगता है किसी चीज़ का रेजोल्यूशन हो पाएगा, तो मेरा यही निवेदन है पूरे लद्दाख के लोगों से जो है इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो है दोबारा से जो है बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए, और मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं सर आँखों पर प्रोएक्टिवली जो है इस चीज़ को आगे ले जाऊंगा और दोबारा से जो है डायलॉग प्रोसेस को शुरू करेंगे और डिस्कशन फिर से दोबारा चर्चा करना चाहिए, और हर एक प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर जो है हमें चर्चा करना चाहिए, ऐसे हम कैजुअली ना लेके बिल्कुल इन डेप्थ, और लद्दाख को क्या चाहिए उसको ध्यान में रख के हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, ताकि ऐसा स्थिति फिर ना आए कहीं दो साल के बाद फिर लोग जो है सड़कों पे आने लगे, तो ये सरकार नहीं चाहते हैं, सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, लद्दाख के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को जानता है, बार बार जो है लद्दाख को यूनिटी बनाने का मकसद भी यही था, ऑब्जेक्टिव लद्दाख को माननीय प्रधानमंत्री जी एक मॉडल यूनियन टेरिटरी बनना चाहते हैं, तो इसलिए जो है उन्होंने कभी नहीं कहा कि लद्दाख को सेफ गार्ड नहीं देंगे, लद्दाख की सेफ गार्ड के साथ सरकार है, लेकिन किस शेप में होगा किस फॉर्म में होगा उसके ऊपर तो जब आप बैठ के हेल्दी एटमॉस्फेयर में चर्चा करेंगे, बिट बाय बिट जो है माइन्यूट आपके जो है डिटेल्स
में जाके जो है आपके इस प्रोस कॉन्स को समझ के लार्जर इंटरेस्ट में लद्दाख के लिए क्या बेनिफिट है उसके ऊपर चर्चा करने के बाद जो भी एक एक लद्दाख के लिए एक प्रोडक्टिव जो एक सेफ गार्ड होगा वो लद्दाख को देने के लिए तैयार है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि दोबारा से चर्चा का सिलसिला शुरू होगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बाकी पार्टी में इस तरह से कोई डिवीजन नहीं है एज सच। स्टेट प्रेसिडेंट के डायरेक्शन पे ही जो है आज एयरपोर्ट पे जो लोग रिसेप्शन करने गए हैं वो उनके डायरेक्शन पे गया है, और पार्टी में बहुत सारे सीनियर लीडर्स को जो है यहाँ पार्टी में भी आज रैली का जो है इंतज़ाम करना है तो इसलिए भी है। हम मुझे जाना था लेकिन हम नहीं जा पाए, लेकिन ऐसा नहीं है अब। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल जो है इस तरह से बयानबाजी करता है तो वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, और पार्टी के जो मैंडेट और पार्टी के जो डिसीजन को एक अच्छे कार्यकर्ता को जो है ऑनर करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू।